मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है, वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की ये सामूहिकता चरितार्थ होती नजर आ रही। साथियों, आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे, ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का, विराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। ये साक्षात्कार हमें मनोबल देता है, लक्ष्य देता है और उसकी प्राप्ति के लिए ऊर्जा भी देता है, हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ट करता है। साथियों, कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है,
हमारे गरीब भाई बहन
किंचित अभी दुर्लभ हम, यानी हमारे उत्साह हमारी स्पीड से बढ़कर के